कह रहा हूँ ये बेवकूफ़ हैं, बेकार में उल्टे सीधे ट्वीट ना करें, कोई फायदा नहीं मिलेगा इन चीज़ों से। अगर बदमाश आदमी है तो बदमाश आदमी को मारना ही चाहिए। पक्ष और विपक्ष ये हमेशा एक दूसरे पर आरोप करते रहे, अगर पक्ष सही है तो भी विपक्ष बोलेगा, अगर पक्ष सही नहीं है तो भी विपक्ष बोलेगा। योगी जी इसी बात पे काम कर रहे हैं, कल को ऐसे हादसे और ना हो। अतीक अहमद पे जनता की राय क्या है उनसे जान लेते हैं। योगी आदित्यनाथ की सिक्योरिटी बढ़ा दी, क्या लगता है? मतलब एक माफिया को मार दिया, अब उनके ऊपर खतरा? किसके ऊपर खतरा? योगी को खतरा? योगी को? अरे वो तो अकेला घूमने वाला शेर है। किसने बोल दिया तो अब उनके सुरक्षा क्यों बढ़ाई गई? वो तो अब एक पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी। ये पॉलिसी में आ गया कि मतलब अब एक अतीक अहमद की हत्या होगी तो अब उनकी जान पे भी नहीं खतरा? भाई हो सकता है खतरा, खतरा क्यों नहीं हो सकता? कल को अगले को मार दे कोई, फिर क्या होगा? जान तो अगले की नहीं है क्या? तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव ने दोनों ने ट्वीट करके बोला गलत किया है, बहुत गलत। मैं कह रहा हूँ ये बेवकूफ हैं, बेकार में उल्टे सीधे ट्वीट ना करें, कोई फायदा नहीं मिलेगा इन चीजों से। और ये सब लोग जानते हैं गलत कौन है गलत कौन नहीं है। अगर बदमाश आदमी है तो बदमाश आदमी को मारना ही चाहिए। अखिलेश यादव ने बोला कि प्री प्लान था सारा, ये पहले से प्लान करके मारा गया, एक दिन पहले दो दिन पहले उनके बेटे का एनकाउंटर कर दिया। कैसे है प्री प्लान? कैसे है प्री प्लान? है ही नहीं इतने सारे पुलिस वालों के बीच में, मतलब इतना आसान था? आप मुझे बताओ, या तो योगी ने गोली मारी होती, या तो योगी ने गोली मारी होती, ठीक है ना जी। आदमी कहे भाई योगी ने गोली मारी तो उसको सजा दो, जय श्री राम के नारे भी तो लगे तो क्या बुराई? जय श्री राम बोलने बुराई है? बुराई नहीं है, लेकिन एक वारदात को अंजाम देने के बाद जय श्री राम, वो गलत है, वो गलत है, भड़काना गलत है, भड़काना गलत है। और जय श्री राम बोलना गलत नहीं है, मैं बोल सकता हूँ जय श्री राम, अरे क्यों नहीं बोलेंगे यार, हिंदू जय श्री राम बोलेंगे। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो जो विपक्ष कर रहा है, जानबूझ के विपक्ष ने जो है मरवाया है और योगी आदित्यनाथ की सरकार को टारगेट। ऐसा है, पक्ष और विपक्ष ये हमेशा एक दूसरे पे आरोप करते रहेंगे, पक्ष विपक्ष पे करेगा, विपक्ष पक्ष पे करेगा, इसका कोई हल नहीं है। और कोई हल आज की राजनीति से या शुरू की राजनीति से लेके आज है, भाई साहब गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, इसका कोई हल है ही नहीं। आप सही हो या गलत हो या कुछ भी हो, अगर पक्ष सही है तो भी विपक्ष बोलेगा, अगर पक्ष सही नहीं है तो भी विपक्ष बोलेगा। विरोधी होता है उसे तो बोलना ही है, अब सही करेंगे हम तो भी बोलेगा, गलत करेंगे तो भी बोलेगा। तुम तो सही हुआ क्या गलत? हत्याकांड सही, बिल्कुल सही हुआ, क्या गलत है इसमें? क्या तो ऑलरेडी पहले सजा भुगत रहे थे, तो आप हमें बताइए ना, जब राजूपाल मारा गया तो उनके साथ उनके दो गनर मारे गए हमारे पुलिस जवान, तो वो सही था? बताइए ना आप हमें, वो सही था? आप जवाब दीजिए ना। बिल्कुल सही नहीं था तो लेकिन वो सजा काट रहे थे, वो भाग तो नहीं रहे थे, उनका मेडिकल करवाने के लिए उनको जो है वो ले जाए, सरकार ने तो मार नहीं दिया उनको, अब कोई बदमाश आ गए मार गए, उनकी जांच चल रही है, जांच चल रही है उनकी, उनकी जांच चल तो रही है। यहाँ खड़े खड़े लड़ जाए, अगर मान लो एक दूसरे को मार दें और कल को कोई केहरी वाले मरवा दिया, केहरी वाले मरवा दिया भाई, वो बेचारा अपने घर बैठा हुआ है, खांसी वांसी कर रहा होगा मेरे ख्याल से। लेकिन जब मरा तो उसके बाद तो जो है ना काफी लोग कहने लगे कि बाबा ने बुलडोजर चला दिया, बाबा जो है यूपी को साफ कर देंगे। भड़क ऐसा है, आप पब्लिक के मुंह नहीं रोक सकते। अब मैं बोल रहा हूँ, मेरा मुंह किसी ने रोक लिया, मैं बोल के चला जाऊंगा अभी यहाँ पर, ठीक है ना जी। मैं कोई 10 बातें गलत बोल दूँ, 10 बात सही बोल दूँ, आपके हिसाब से किसने मारा? अरे किसने मारा? जांच क्यों चल रही? पकड़े गए मेरे ख्याल से, उन्होंने सरेंडर किया, सरेंडर किया है ना उन्होंने, तो आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो किसने मारा? अरे वाह वाह वाह, नहीं आप कह रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं, लेकिन सवाल तो यहाँ पे सरकार के ऊपर उठ रहा है, प्रशासन पे उठ रहा है। आपने अभी मुझसे पूछा किसने मारा, अरे जिनने मारा सरेंडर हो गए भैया। किसने भेजा था उनको? मैंने नहीं भेजा, मैंने नहीं भेजा, अरे मैंने नहीं भेजा, पहली बात तो एक क्लियर करूँ। हाँ कल को आप बोलो आपने तो नहीं भेजा, मैंने नहीं भेजा, सवाल यही था अगला, आपने तो नहीं भेजा, मैंने नहीं, क्या आप कह रहे हैं योगी सरकार नहीं करवा रही? हाँ ना, योगी को करवाएगा, योगी को करवाएगा, योगी ने बोला है कि मैं पूरा जो है माफिया साफ कर, माफिया साफ करूंगा। हाँ कैसे कर रहे हैं? गलत गलत, अच्छी बात है, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए उसको, योगी जी को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो कह रहे हैं। कानून नाम की भी तो कोई चीज है, तो योगी ने थोड़ा मारा है। अगर गुंडों का उत्तर प्रदेश से सफाया हो रहा है तो आप उसमें सहमत है या ना सहमत है हमारी चर्चा आइए, आप सहमत है? नहीं, सहमत होने ना सहमत होने वाली बात नहीं है, बात यह है कानून के दायरे में चीजें होनी। आप हमारी बात का जवाब दीजिए, अगर बात यह है कानून के दायरे में होनी चाहिए, वो मुख्यमंत्री हैं, लाखों करोड़ों लोग उनके पसंद करते हैं, बात यह नहीं है, बात यह है कि कानून के दायरे में करें। तो बोलो न्याय संगति कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं ना, वो जो भी कर रहे हैं न्याय संगति कर रहे हैं, न्याय से अलग कुछ भी नहीं है। ये मैडम कह रही है कि वो जो कर रहे हैं कानून के दायरे में करें, यही कह रहे हैं आप कि कानून के दायरे से, और जो जितने माफिया कर रहे हैं वो भी कानून के दायरे में करें, फिर
माफिया है वो क्यों कानून के दायरे में? मर्डर कैसे कानून के दायरे में हो जाएगा? फर्क क्या रह जाएगा माफिया में? मतलब वो करे, मतलब एक पुलिस वाले को बेचारे को डंडा मारने का हक नहीं और सामने वाला आदमी आके गोली मार जाए, वो पुलिस वाला बंधा हुआ है वर्दी के चक्कर में, उस पे कोई मारे तो डंडा मारे। बात बताइए, जब धड़ाधड़ गोलियां चल रही थी उस वक्त पुलिस में से किसी के पास क्या लाइसेंस रिवॉल्वर नहीं थी? उन्होंने किसी ने फायर नहीं किया? किसने फायर नहीं किया? एक भी पुलिस वाले ने जो है बैक, अगर पुलिस फायरिंग कर देती तो उल्टा योगी जी की पुलिस मिली हुई है। अगर पुलिस फायर कर देती, सपोज करो अगर वो मर जाते, प्रशासन के ऊपर आप हमारी सुनिए ना, अगर वो मर जाते तो हमको कैसे मालूम पड़ती इनको किसने भेजा है, इनके पीछे राज क्या है? तो आप में से ही कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो है क्रिमिनलों को सजा उसी वक्त दे देनी चाहिए, उनको जेल में रख के जो सालों साल पालते हैं, करोड़ों लाखों खर्च करते हैं, आप में से ही जनता यही बातें बोल रही है। अब आप कह रहे हैं कि पकड़े नहीं। हर इंसान की अपनी अपनी सोच है, अपना अपना कहने का तरीका, हर इंसान की अपनी सोच है। तो इस बात को आप बार बार एक बात कहो कि हर कोई इंसान कह रहा है तो सजा दे दो, ये कर दो, हर इंसान की अपनी सोच है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, हर आदमी को बोलने की आज़ादी है, कोई कुछ। इतना देखिए, इतना आसान था कि एक भारी पुलिस दल जो है वो साथ में चल रहा है और बीच में आके इतने पास से गोली मार दे। मैं आपको एक बात बताऊँ, योगी जी इसी पे काम कर रहे हैं, आप सही मायने में आराम से सुनना, योगी जी इसी बात पे काम कर रहे हैं कल को ऐसे हादसे और ना हो, समझे बात को? ऐसे यही वो चाहते हैं कि ये ऐसे काम ना, गलत काम ना हो, लेकिन सख्ती करने, जब बदमाशों को पकड़ा जाएगा धीरे धीरे करके बदमाश खत्म हो जाएंगे तो ऐसे हादसे होने बंद हो जाएंगे। भाई आपने अगर मान लो एक जेब कतरे को, एक ग्रे कट को, एक चोर को अंदर कर दिया, जब चोर अंदर रहेगा या तो सुधरेगा, अच्छा अंदर रहेगा जब तक चोरी नहीं करेगा। पकड़े हुए उन शूटरों ने जो है ये बात बोली है कि हम तो फिदायन बन के आए थे यहाँ पे, हमें पता था कि अगर तो मरेंगे या पकड़े जाएंगे, फिदायन जब बन के आ रहे हैं तो योगी राज में मतलब फिदायन भी पैदा होने लग गए, ये जो है अखिलेश यादव ने पूछा। नहीं, अखिलेश यादव जी तो महान आदमी है, वो तो कुछ भी पूछ सकते हैं, उनका क्या है, वो तो महान आदमी है अखिलेश, मतलब वो तो जो बोले वो ठीक है। अखिलेश यादव जी का तो ये हाल है कि वो जो बोले वो ठीक है, फिदायन कह लें जो मर्जी कह लें, आदमी सही मायने में अखिलेश यादव आदमी बुरा नहीं है, कोई बुरा आदमी नहीं, पढ़ा लिखा आदमी है, तहजीबदार आदमी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये सारी पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ आदमी को गंदा कर देती है। तो अतीक अहमद के हत्याकांड पे ये जनता का जो है, जनता के जवाब थे। आप लोगों का क्या है मानना, नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।